ऐश्वर्या राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बन जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू से विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर बातचीत कर रहा है और अपील करते हुए दिखाई दे रहा है। अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँच रहे हैं और कई सामाजिक मुद्दों पर उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि कैसे राष्ट्रपति अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहले आपको बता दें, 9 से 10 सितम्बर वह त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगी और इसी के साथ साथ वह यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और जल्द ही अहम फैसला भी ले सकती हैं। लेकिन इसी बीच परिवार से जुड़ी तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू के बारे में सोशल मीडिया पर इतिश्री काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, अपनी बात रखती हुई देखी जाती हैं। इतिश्री मुर्मू काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई जब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई आदिवासी महिला दिग्गज नेत्री द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि इतिश्री मुर्मू से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर वह अपने अकाउंट के चलते मुसीबत में फंसती हुई भी देखी जा सकती थी। जी हाँ, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खबर सामने आई है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया एक यहाँ पर शख्स ने। दरअसल आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा का ये मामला है और अब आरोपी को लेकर यहां पर सबसे बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपी के एक शख्स ने उनकी बेटी के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपित फर्जी अकाउंट बनाकर ट्वीट किया करता था। आरोपी के बारे में अगर बात की जाए तो आरोपित की पहचान शैलेंद्र शुक्ला के रूप में हुई है, जो निजी फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पर तैनात रहा और अब उसके कब्जे से पुलिस ने 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं और पूछताछ भी जारी है। पुलिस के मुताबिक सामने आया है कि आरोपित निम्बस सोसाइटी में रहा करता है। कुछ दिन पहले युवक ने फर्जी अकाउंट बनाया और ट्वीट भी किया। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने यहां पर ट्वीट किया कि सोसाइटी के फ्लैट में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा है। जब पुलिस ने जाँच की तो सभी आरोपी फर्जी मिले हैं। ऐसे में देखा जाए तो पुलिस ने उस ट्विटर अकाउंट की जाँच करना भी शुरू कर दी है और इस दौरान पता चला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर इस मामले से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वक्त के साथ साथ पता चलेगा आखिरकार पुलिस क्या कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।